अजीज सामेन, आप सबको सुख का सलाम। तो चले आज हम जिस शख्सियत के बारे में जानने को जा रहे हैं वो पहला सैम्बल उसमें से बराक की शख्सियत के बारे में आज हम जानेंगे, सीखेंगे, ताकि हम खुदावंद के कलाम में और ज्यादा मजबूती पाएं और गहरा ईमान हासिल करें। बराक जो कि नू अमून का बेटा, बराक नफ्ताली के इलाका में वाकया पना के शहर कादेश का रहायशी था। उस जमाने में बनी इसराइल की काजिया और नबिया दबूरा ने उसे दावत भेजी कि वो आए और कनान के बादशाह याबेन के खिलाफ जंग करे। कनानियों ने गुज़श्ता 20 साल से बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन्होंने उनके खेतों को उजाड़ डाला और आमदरफ्त को बंद कर दिया था और बनी इसराइल के जंगजू लोगों को गैर मुसल्लह कर दिया था, यहां तक कि उनके पास एक भी ढाल या नेजा ना रहा। दबूरा की हदायत पर बराक ने उन 10,000 जवानों पर मुश्तमिल फौज इकट्ठी की जो ज्यादातर वफादार कबाइल से ताल्लुक रखते थे और कोए तबूर की ढलान पर हेमाजन होने के बायस कनानी रथों की पहुंच से बहुत दूर थे। इसराइली फौज ने यज़ील के मैदान में याबेन के 900 लोहे के रथों और भारी मुसल्ला फौज को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि खुदावंद खुदा उनके साथ लड़ाई में शामिल था। सख्त बारिश के बायस जंग का मैदान दलदल बन कर रह गया, जिसकी वजह से कनानी रथों और लश्कर की नकलो हरकत मुमकिन ना रही और दुश्मन को बुरी तरह शिकस्त हुई। कनानी फौज का सिपा सलार सिररा रथ छोड़कर पैदल भाग निकला, मगर बराक उसका ताकू करने के लिए उसके पीछे भागा और अपनी जान बचाने के लिए वो एक खैमा में दाखिल हुआ जहां यायल नामी खातून ने उसे कत्ल कर डाला। इसके बाद बनी इसराइल को 40 साल तक अमन सुकून हासिल रहा। किताबे मुकद्दस में बराक का नाम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने ईमान के वसीले से बड़े बड़े खैरत अंगेज काम सर अंजाम दिए। बराक एक शर्मीला और हिचकिचाने वाली पर्सनैलिटी का मालिक था। अगरचा खुदावंद खुदा के बुलावे पर बुलाया गया था, लेकिन वो जंग पर अकेला जाने से हिचकिचाता था, इसलिए उसने दबूरा से कहला भेजा कि अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगी तो मैं इस जंग के लिए नहीं जाऊंगा। मेरे अजीजों, दबूरा के नाम का मतलब है कलमा या कलाम। उस जमाने में दबूरा काजिया और नबिया के अलावा बनी इसराइल के दरमियान खुदा की हजूरी का निशान थी, इसलिए बराक बाजिद था कि वो उसके साथ चले। ऐसी ही दरख्वास्त बुजुर्ग मूसा ने खुदावंद खुदा से की थी कि अगरचा तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर की है। इस तरीक से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले ताकि मैं और तेरे लोग रवि जमीन की सब कौमों से नराले ठहरें। अहले ईमान होने के
नाते काश हम भी इस रूहानी दौड़ में खुदा और उनके लोगों की रफाकत के बगैर अकेले दौड़ने से गुरेज करें। अभी हम दबूरा की जिंदगी के बारे में जानेंगे। दबूरा बनी इसराइल की अजीम नबिया और काजिया थी। उसके खामंद का उसके साथ बहुत अमल दखल था और वो हर काम में उसका साथ देता था। वो बिन्यामीन और नफ्ताली की सरजमीन पर रहती थी। अक्सर काजियों की मानिन खुदावंद खुदा ने उसे भी बनी इसराइल को गुलामी से छुड़ाने और उनकी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया था। कनानियों ने बनी इसराइल को 20 वर्ष तक शिद्दत से सताया गया। पास बनी इसराइल इस हद तक मुफलिस और खस्ता हाल हो गए कि उनके पास कोई ढाल और बर्छी ना रही। तब दबूरा बनी इसराइल में मां होकर उठी। उसने नफ्ताली के इलाके में बराक को बुलाया और पेशगोई की के कनानी सिपासलार सिसरा की मौत एक औरत के हाथों होगी। चुनाचे यही हुआ और जंग के बाद दबूरा और बराक ने फतह मंदी का गीत गाया और यूं उनकी हिकमत अमली और दानिशमंदी पर यह फैसला हुआ कि इस मुल्क में 40 वर्ष तक अमनो ईमान रहा। अभी हम दबूरा की जिंदगी के बारे में चंद खुसियात सुनेंगे कि वो क्या अहम किरदार अदा करती हैं। इसराइल की मां। अगरचे जमाना में बनी इसराइल कौमी तौर पर तबाही और बर्बादी का शिकार थे, क्योंकि किनान के बादशाह याबेन ने इसराइलियों को 20 वर्ष तक शिद्दत के साथ सताया था और इन अयाम में कौम के बेटे और बेटियां नहायत तकलीफ में थे। उस वक्त दबूरा बनी इसराइल में मां होकर उठी और हिकमत अमली से अपने बच्चे को आराम और तहफ्फुज बख्शा। नंबर दो, हौसला अफजाई करने वाली। मां अपने बच्चों के लिए हमेशा तसल्ली और हौसला अफजाई का बायस होती है। बराक के लिए दबूरा की मौजूदगी खुदा की हजूरी का निशान थी। उसने वाजिया तौर पर कह दिया था कि अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा। चुनाचे बराक के साथ दबूरा जंग में मौजूद थी और उसने बराक की हौसला अफजाई के लिए ये नबूवती पैगाम दिया था कि उठ, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें खुदावन सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। प्रस्तिश करने वाली। खुदावंद खुदा ने मौजज़ाना तरीके से अपने लोगों को फतह बख्शी और इसके बायस दबूरा ने बराक के साथ मिलकर खुदावंद की हमदो सना का गीत गाया। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज हम दबूरा, बराक और सिसरा की हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। दबूरा कौन थी? दबूरा नबिया थी और इसराइल पर काजिया थी। दबूरा के खावंद का क्या नाम है? दबूरा के खावंद का नाम कजाद लफेदुत था। दबूरा इंसाफ के लिए कहाँ बैठती थी? दबूरा कोहे इफ्राइम में रामा और बैतेल के दरमियान दबूरा की खजूर के दरख्त के नीचे बैठती थी। दबूरा ने बाराक को कैसे बुलाया? आदमी भेजकर। बाराक किस मकाम से था? बाराक कादेश नफ्ताली से था।
बाराक के बाप का क्या नाम था? अबी नोएम। बाराक ने कितने मुर्दों के साथ याबीन के सिपा सालार पर चढ़ाई की? 10,000 मुर्दों के साथ। सीसरा किसका सिपा सालार था? कनान के बादशाह याबीन का था। सीसरा ने बाराक का मुकाबला करने के लिए क्या किया? सीसरा ने अपनी सब गाड़ियां, जो 900 लोहे की गाड़ियां थीं, जमा की और सब लोगों को जो इसके पास गैर कौमों की हरवश्त से दरियाए केशून तक थे जमा किया। सीसरा शिकस्त के बाद पैदल भागकर कहां गया? सीसरा पैदल भागकर हाबिर कीनी की बीवी याइल के खैमा में आया। खैमे में याइल ने सीसरा की आमद पर क्या किया? याइल सीसरा की इस्तकबाल को निकली। याइल ने सीसरा के साथ क्या सलूक किया? याइल ने एक कंबल से सीसरा को ढांप दिया। सीसरा ने याइल से क्या सवाल किया? मुझे थोड़ा पानी पिला। याइल ने सीसरा को क्या पेश किया? याइल ने दूध की एक छोटी मश्क खोली और इसे पिलाया। याइल ने सीसरा को कैसे कत्ल किया? याइल ने खैमा की एक मेख ली और मोगरी हाथ से पकड़ी और आहिस्ता से इसके पास जाकर मेख इसकी कनपटी में ठोंक दी, यहाँ तक कि वो ज़मीन में धंसी। कज़ात के किताब में दबूरा का गीत कहाँ है?